हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एसी और डीसी सप्लाई के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एसी सप्लाई क्या होता है, डीसी सप्लाई क्या होता है, एसी और डीसी में से कौन ज़्यादा बेहतर है, इन दोनों के एप्लीकेशंस देखेंगे, इन दोनों में अंतर क्या है ये देखेंगे, और इनके डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल डायग्राम देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि हम एसी डीसी मशीन को आसानी से कैसे पहचान सकते हैं, कौन सी एसी मशीन है और कौन सी डीसी मशीन है। डीसी करंट का फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट होता है और इसको थॉमस एडिसन ने खोजा था, डेवलप किया था। अगर हम डीसी करंट की बात करें तो डीसी करंट में जो चार्जेस होते हैं और जो करंट होता है ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं, मतलब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फ्लो होते हैं। जैसे कि हम डीसी करंट को यहाँ से समझना चाहें तो हमारे पास यहाँ पर एक बैटरी दे के रखी है, ये हमारा डीसी सोर्स है। यहाँ पे इसके कारण जो करंट फ्लो होगा ये करंट की डायरेक्शन ये होगी, करंट हमारा हमेशा यहाँ से प्लस से माइनस की ओर बहता है, जबकि इसमें जो इस सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे हमेशा माइनस से प्लस की ओर में जाएंगे। अगर हम इसे एक्सेस की मदद से समझना चाहें तो जैसे कि हमारे ये देखे रखा है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, इसको हम यहाँ से भी समझ सकते हैं कि इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी, जो मैग्नीट्यूड होगा, ये हमारा करंट या तो पूरा प्लस एक्सिस में होगा या तो पूरा माइनस एक्सिस में होगा। अगर हम डीसी करंट की बात करते हैं तो डीसी करंट में पूरा जो हमारा करंट होता है ये या तो इसकी वैल्यू या तो पूरी पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी। तो इस बेस पर जो हमारा करंट होता है, डीसी करंट होता है, ये हमारा दो टाइप से होता है। एक हमारा होता है प्योर डीसी और दूसरा होता है हमारा पल्सेटिंग डीसी। तो प्योर डीसी की बात करें तो प्योर डीसी में हमारा जो करंट होता है इसमें इसकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है, जो मान यहाँ से रहेगा वही आखिरी तक रहेगा। जबकि अगर हम पल्सेटिंग की बात करते हैं तो पल्सेटिंग में ये हमारा इसका मान फ्लक्चुएट करता है, ये हमारा पल्सेटिंग डीसी करंट होता है। ये हमारा ऐसे भी हो सकता है और ये एक्सिस के नीचे भी हो सकता है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। इसका मान यहाँ की अगर हम बात करें तो पूरा पॉजिटिव है, और ऐसे अगर हम इसको यहाँ समझना चाहें तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, और इसमें हमारा जो इसका मान है ये पूरा हमारा माइनस में। अब अगर हम जो डीसी करंट है इसके सोर्स की बात करें कि ये हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, तो जो डीसी करंट होता है ये हमें सोलर सेल से मिलता है, सोलर सेल या पीवी सेल से मिलता है, बैटरी से मिलता है, डीसी जनरेटर से हमें ये प्राप्त होता है। इसके बाद अगर हम इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो हमारा डीसी करंट होता है ये हमारा यूनिडायरेक्शनल करंट होता है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फ्लो होता है। इसमें केमिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं क्योंकि बैटरी वगैरह में बनता है तो ये केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनता है, और इसमें मैग्नेटिक इफ़ेक्ट शो करता है, जब किसी सर्किट में करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट देता है। इसके अलावा ये थर्मल इफ़ेक्ट भी देता है, जब करंट किसी डीसी सर्किट में फ्लो होता है तो यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होती है, और जैसे कि हमने देखा कि करंट हमेशा हमारा प्लस से माइनस की ओर फ्लो करता है। इसके अलावा ये हमारे कुछ इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं डीसी करंट के, डायग्राम दे के रखे हैं, जैसे हमारा प्योर डीसी है, ये हमारा पल्सेटिंग डीसी है, या हमारा ट्रायंगुलर पल्सेटिंग डीसी है, और ये कुछ और एग्जांपल इसके देख के रखें। अगर हम डीसी सप्लाई के एप्लीकेशंस की बात करें तो ये जो है वो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ लो वोल्टेज एप्लीकेशंस में ही किया जाता है, जैसे कि चार्जिंग बैटरीज, बैटरीज को चार्ज करने के लिए जो हमारे मोबाइल्स वगैरह में बैटरीज रहती है वो वाली, फिर ऑटोमोबाइल में जो बैटरीज यूज़ होती है, एयरक्राफ्ट वगैरह में, और सोलर इन्वर्टर में इनका यूज़ होता है। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो जो डीसी सप्लाई होती है इसको हम ज़्यादा लॉन्ग ट्रांसमिशन इसका हम लोग नहीं कर सकते हैं, और जब हम इसको लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए इसके वोल्टेज को हाई करते हैं तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इसे हम हाई वोल्टेज के ट्रांसमिशन में यूज़ नहीं कर सकते। थॉमस एडिसन ने डायरेक्ट करंट की खोज की थी, पर
डायरेक्ट करंट में कुछ प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि इसको हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में इसमें हम कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, जिसके कारण इसे हम ज़्यादा दूर तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते थे। मतलब जहाँ पे डीसी करंट जहाँ पे जनरेट होती थी उससे ज़्यादा दूर तक हम इसको भेज नहीं सकते थे। तो जो टेस्ला थे, टेस्ला ने जब इस चीज़ को देखा तो उनका मानना था कि इसका जो सॉल्यूशन है वो एसी करंट के थ्रू ही किया जा सकता है, क्योंकि एसी सप्लाई को हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज और लो वोल्टेज से हाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जिसकी मदद से इसे हम ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक भेज सकते हैं। तो जो एसी सप्लाई है, एसी का फुल फॉर्म है अल्टरनेटिंग करेंट। और अल्टरनेटिंग करेंट की बात करें तो इसमें जो करेंट होता है और जो चार्जेस होते हैं ये बाय डायरेक्शनल फ्लो करते हैं। मतलब इसमें जो करंट होता है ये दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है, कभी फॉरवर्ड जाता है कभी रिवर्स जाता है। उसके साथ में इसमें जो चार्जेस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी बाय डायरेक्शनल होते हैं, ये भी दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब हमारा एसी करंट का जब पॉजिटिव साइकिल आता है तो हमारा जो करंट होता है, करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, जबकि जैसे ही इसका रिवर्स पोर्शन होता है, ये वाला जब नेगेटिव पोर्शन होता है, तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन हमारी चेंज हो जाती है वो इस डायरेक्शन में होती है। मतलब हर एक साइकिल के लिए हमारा जो करंट की डायरेक्शन ये चेंज होती है, इसलिए इसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। सोर्स की बात करें तो जो एसी करंट है, एसी सप्लाई, ये एसी जनरेटर के थ्रू हमें मिलता है। इनमें अगर हम इनकी यूज़ की बात करें तो इसके यूजेस को हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, एक हमारा डोमेस्टिक और दूसरा हमारा इंडस्ट्रियल। तो जैसे कि अगर हम घर पे देखें तो हमारे घर पे जितने भी चीज़ें हैं, मतलब जैसे कि हम पंखे की बात करें, लाइट्स की बात करते हैं, टीवी की बात करें, रेफ्रिजरेटर की बात करें, वॉशिंग मशीन की बात करें, ड्रिल मशीन वगैरह, ये सारे के सारे हमारे इलेक्ट्रिसिटी से एसी सप्लाई से चलते हैं। जबकि इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में जो बड़ी बड़ी मशीनें वगैरह होती हैं सारी की सारी हमारी एसी सप्लाई से चलती है, हाई वोल्टेज से चलती है। अब अगर हम बेनिफिट्स ऑफ एसी सर्किट की बात करें तो ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। अगर डीसी के कंपैरिजन में हम इसकी बात करें तो ये इतना कॉस्टली नहीं होता है, और इसे आसानी से, क्योंकि हम इसमें वोल्टेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं, वोल्टेज को बढ़ा और कम कर सकते हैं, जिसकी मदद से इसे लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रांसमिशन में भी हम इसको यूज़ करते हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रांसमिशन में यही यूज़ होता है, और इसे आसानी से जनरेट किया जा सकता है। ये अल्टरनेटिंग करंट के कुछ एग्जांपल देके रखें, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें क्या है, हमारा करंट कभी पॉजिटिव में जाता है कभी नेगेटिव में जाता है, कंटिन्यूसली चेंज करता है। हमारा साइन वेव है, ये हमारी कोसाइन वेव है, इस तरीके से हमारी ट्राइंगल वेव देके रखी है, और ये स्क्वायर वेव देके रखी है। यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस देके रखें एसी और डीसी में। ये हमारा पहला सिग्नल डायग्राम है एसी का, और ये हमारा डीसी का प्योर टाइप, जो हमारा एसी होता है, और प्योर टाइप डीसी का एग्जांपल देके रखा है। इसी के साथ में दूसरा पॉइंट हमारा फ्रीक्वेंसी, जो एसी सिग्नल होती है इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ से लेकर 60 हर्ट्ज़ हो सकती है, होती है, जबकि डीसी की बात करें तो डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज़ होती है, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो जैसे एसी करंट होता है, इसमें जो करंट होता है और जो चार्जेस होते हैं ये इनकी डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जबकि डीसी में इनके डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। इसी एसी सप्लाई को हम एसी जनरेटर के थ्रू जनरेट करते हैं, जबकि डीसी जो सप्लाई होती है ये हमें बैटरी तथा सेल्स से मिलती है। एसी का जो पावर फैक्टर होता है ये 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, जबकि जो डीसी सप्लाई होती है इसका पावर फैक्टर 1 होता है। एसी में हमारे इलेक्ट्रॉन दोनों डायरेक्शन मूव होते हैं, जबकि डीसी में इलेक्ट्रॉन हमारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव होते हैं, माइनस से प्लस की ओर। ये हमारा इसका पावर का फॉर्मूला है, जो एसी होता है इसका पावर का फॉर्मूला होता है वी आई कॉस फाई, जबकि डीसी में हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू वी आई। जैसे कि हमने देखा था कि जो एसी होता है इसमें बहुत सारे इसके शेप्स हो सकते हैं, ये हमारा साइन वेव हो सकता है, कोसाइन हो सकता है, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, सॉटूथ, ऐसे बहुत सारे शेप्स हो सकते हैं। जबकि हम डीसी की बात करें तो डीसी में हमारा दो ही तरीके का होता है, एक हमारा प्योर टाइप का होता है और दूसरा हमारा पल्सेटिंग होता है।
हम एसी सप्लाई को इस सिंबल से डिनोटेट करते हैं, जबकि डीसी सप्लाई को इस सिंबल से डिनोटेट करते हैं। जैसे कि हम एमीटर की बात करें, एसी एमीटर हमारा ऐसा लिखा होगा और उसके नीचे साइनोसोइडल वेव बनी होगी, वैसे ही हमारा जो एसी वोल्ट मीटर होगा उसके नीचे हमारा ऐसा साइनोसोइडल वेव बना होगा। जबकि डीसी की बात करें तो डीसी एमीटर हमारा ऐसा बना होगा, उसके नीचे एक स्ट्रेट लाइन होगी, जबकि डीसी वोल्ट मीटर के नीचे ऐसे एक लाइन बनी होगी।